मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा नए पीरियड में वापस आपका स्वागत है। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना चालू कर दिया और आप धीरे धीरे अब देखेंगे। बेटा यही प्रश्न अपन ने पिछले पीरियड में पढ़ा था। तो देखिए, पिछले पीरियड में ये पढ़ा था तो आपने कहा सर आवेशित अचालक गोला है। बेटा उसमें बाहर भी हम निकाल चुके और सतह पर भी निकाल चुके। अरे बच्चे, हमने दोनों जगह पर निकाल लिया ये सवाल को। तो बेटा दोनों जगह पे तो निकल गया, सबसे इम्पोर्टेंट जगह कौन सी होती है? तीसरे नंबर वाली। तो बेटा तीसरे में क्या पढ़ना है? अचालक गोले के अंदर। पहली बात बता दूं कि बेटा डायग्राम को कंप्लीट करें तो बताओ अचालक गोले में कौन सा आवेश फैला रहता है? धन आवेश। ये देखो, ये अचालक गोले में अच्छे से कौन फैला हुआ है बताओ? धनावेश फैला हुआ है माय डियर। ये देखो, धनावेश फैला हुआ है। बेटा ये देखो, अल्पांश की दिशा भी इधर ही है ना छोटे बच्चे की, और इकाई की दिशा बताओ ई की। बस थीटा कितना नज़र आ रहा है आपको? जीरो। आपकी गाउसीय पृष्ठ कौन सी है? अंदर वाली। ये आपकी गाउसीय पृष्ठ है अंदर वाली। रिलैक्स, ये कौन सी पृष्ठ बताओ? अचालक पृष्ठ। बेटा इसको कौन सा पृष्ठ कहते हैं बताओ बच्चे? अचालक पृष्ठ। ये देखो, ये देखो, ये देखो। अच्छा लग रहा है आपको? ये देखो, फिर देख लो, ये डॉट डॉट वाली तो आपकी गाउसीय पृष्ठ है और ये आपकी कौन सी पृष्ठ है? अचालक पृष्ठ है। अब गोले के अंदर चलना है आपको, गाना गाना चालू करें। माना आर त्रिज्या का एक आवेशित अचालक गोला है। यस, गोले के केंद्र से आर दूरी पर गोले के अंदर एक पी बिंदु लेते हैं जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कौन से बिंदु पर? पी पर। ओ को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक काल्पनिक गोलीय पृष्ठ बनाते हैं जिसे कौन सा पृष्ठ कहते हैं? गाउसीय पृष्ठ। बेटा गाउसीय पृष्ठ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र का क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। अब अपन चलें थोड़ा सा। बेटा गाना तो गा दिया आपने पूरा, तो अब बताओ काई के नियम से चलना है आपको, गाउस के नियम से। धीरे धीरे देखना इस सवाल को क्योंकि थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। गाउस नियम से, मैं समझता हूँ कि गाउस के नियम से पूरे चैप्टर में चला बेटा ये नियम, तो आप कई बार यूँ लिख देते, आपका फैशन है आप कैसे लिखें, और आप डायरेक्ट यूँ लिखने की आदत बनाओ तो और भी बेहतर है। चलो यस, अंदर वाला इम्पॉर्टेंट होता है थोड़ा थोड़ा। ये चले समेशन की ओपन एप्सिलॉन जीरो, यहाँ क्या लगा दें? एस, एस फॉर पृष्ठ। इस संकेत का मतलब बंद पृष्ठ। आ गया क्या बेटा? ओपन करो। चलो ई डी एस, कॉस थीटा, इंटेग्रेशन, एस इज इक्वल टू समेशन की ओपन एप्सिलॉन नॉट। प्रॉब्लम ये जी, बेटा थीटा बताओ कितना है यहाँ पे? जीरो। देखो यहीं लिख देते हैं क्योंकि थीटा इज इक्वल टू जीरो। एक बच्चे ने कहा सर क्यों लिखते हैं आप ऐसा? बेटा किस किस की दिशा समान है बताओ? ई व डी एस की दिशा समान है। अरे दोनों की दिशा कैसी दिख रही है बताओ? समान। दोनों के डायरेक्शन क्या है बताओ? समान। अब बताओ दोनों की दिशा समान है तो आप बताओ इंटीग्रेशन वापस चालू कर दें। यस, तो थीटा की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको? जीरो। बेटा कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? एक। कॉस जीरो को हटाएंगे सर अभी बड़े जोर से। ये देखो, चूँकि कॉस जीरो इज इक्वल टू वन, ई का मान नियत। क्यों नियत है? क्यों क्यों? क्योंकि गाउसीय पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र समान रूप से फैला है। तो बताओ ई भी नियत है, तो ई को बाहर विदा करो। अंदर कौन बचा? ये बचा। यहाँ पे क्या है? डी एस इज इक्वल टू, बेटा इसकी जगह क्या गया? एक। इज इक्वल टू समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो। बच्चे लाट साहब बन गए अपन, बोलो। अब ये कौन होता है आपका ये वाला? बोलो बोलो बोलो। ये गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आप साइड में लिख सकते हैं गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल।
ये देखो गाउसीय पृष्ठ का क्या लिखते हैं बच्चे, क्षेत्रफल। चलो बॉस करें अपन क्षेत्रफल, लिखें। चलो ये आ गया गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, कितना लिखो बोलो भैया, 4πr² एक बच्चे ने कहा सर बाहर में भी तो आप ऐसे ही करते थे, कुछ चेंज तो करा ही नहीं आपने, इंतज़ार करेंगे आप चेंज का। तो बेटा इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा मैनेज करना। तो E(4πr²)=(Q)/0। बस डेफिनेटली बस। तो आपने कहा सर आप यहाँ रुक क्यों गए, बेटा चालक के गोले में तपन ने क्या किया था, पूरे गोले में क्यों आवेश फैला था गाउसीय पृष्ठ में, चालक गोले के अंदर, यहाँ पे बॉस क्यों नहीं है, क्यों? क्योंकि आप मान लो अपन गंवारी भाषा की बात करें कि देखिए पूरे अचालक गोले के अंदर 5 N/C विद्युत क्षेत्र है, तो बेटा गाउसीय पृष्ठ केवल यहाँ अंदर ही अंदर है ना, इसमें 5 N/C विद्युत क्षेत्र थोड़ी होगा, उससे कम होगा। इसका मतलब हो गया कि समेशन क्यू बराबर क्यू हम नहीं लिख सकते। यस, अरे बेटा इसके अलग से मान निकालना पड़ेगा, उसके लिए मैं ट्राई करूँगा आपके साथ, बड़े ज़ोर से ट्राई करेंगे। मैं इसको मिटाना चाह रहा हूँ, वो ये पहले जैसा कुछ भी चेंज नहीं है, बस 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 ये। चलो रिलैक्स, यहाँ पर रुक गए सर, थोड़ा सा वेट किया और नाम भी दे दिया समीकरण एक, अच्छा लगेगा यार। यस, आपका सवाल आ गया समझ में, क्यों रुक गए सर यहाँ, क्योंकि मुझे काहे का मान निकालना है बताओ, गाउसीय पृष्ठ में घिरे हुए आवेश का। अच्छे बच्चे होते हैं वो लैंग्वेज यूँ लिख देते हैं, गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश। आपने कहा सर क्या लैंग्वेज बोलते हैं, परिबद्ध मीन्स घिरा हुआ। यस, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई द गाउसियन सरफेस। गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश, परिबद्ध मीन्स घिरा हुआ। धीरे धीरे देखेंगे आप इसको, थोड़ा सा घर पे दो बार देखेंगे तो ये समझ में आएगा, परिबद्ध आवेश। ये देखो इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग, यस इनक्लोज्ड चार्ज बाय द गाउसियन सरफेस। चलो बेटा एक बात पूछ लूँ मैं आपसे, देखिए आवेश बराबर होता है, यस आपने कहा सर क्या होता है, मैं एक छोटी सी बात करूँ आपसे, आपने इसका नाम सुना घनत्व बराबर आवेश बटा आयतन होता है, अरे होता है, आयतन घनत्व का फार्मूला ये, आवेश बटा आयतन। तो बताओ आवेश बराबर क्या होगा, घनत्व इंटू आयतन। मैं लिखूँगा घनत्व गोले के पदार्थ का होता है, तो क्या लिख दिया सर ने बताओ, घनत्व इंटू आयतन। आपने कहा सर किसका आयतन, अरे बच्चे गोली गाउसीय पृष्ठ का आयतन। किसका आयतन बच्चे, गाउसीय पृष्ठ का आयतन, डेफिनेटली यस यस यस। किसका आयतन है देखो, कौन अच्छा बच्चा बताएगा, गाउसीय पृष्ठ का। अब चलो चलना तो पड़ेगा, घनत्व को क्या लिखते हैं बताओ, रो, ये रहा रो से रिप्रेजेंट करेंगे आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन शायद आप जानते होंगे गाउसीय पृष्ठ का आयतन। ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं सर, अरे बच्चे इस पृष्ठ का आयतन है, तो अब त्रिज्या तो आ रहे ना छोटा, अरे इसकी त्रिज्या तो छोटा आ रहे हैं, तो यहाँ छोटा आर आ गया बस। अब आपने कहा सर ये तो लिखा ही नहीं आपने, ये तो गोले का घनत्व है बेटे, ये गोले के पदार्थ का घनत्व है, अरे ये गोले के पदार्थ का घनत्व है, तो गोले के पदार्थ का घनत्व है, तो बच्चे यहाँ तो गोले का आयतन आएगा। ओ भैया गड़बड़ है यहाँ पे बहुत बड़ी सी, यहाँ बताओ किसका आयतन आया, गोले का आयतन। बच्चों देखना यह किसका आयतन दिख रहा है, ये गोले का, ये गोले के पदार्थ का घनत्व है, इसलिए गोले का आयतन लिखा है। यस, यह आयतन किसका है, ये गाउसीय पृष्ठ का। बेटे इसमें रो का मान रखो, देख लो रो का मान रखने पर, थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है ना, आपने प्रॉमिस किया कि सर हम दो बार देखेंगे इसको तो हम ट्राई करेंगे आएगा। रखो मैं रो का मान, रख दिया बड़े ज़ोर से रख दिया, रखते हैं रिलैक्स, ये लो इंटू 4/3πr³। बोलो बच्चे फिर सुन लो सर की बात, गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश
आवेश बराबर घनत्व इंटू आयतन गाउसीय पृष्ठ का, ये आयतन आ गया, गोले के पदार्थ का घनत्व, इसको क्या बोलते हैं गोले के, तो घनत्व तो बराबर आवेश बटा गोले का आयतन, तो गोले की तरह ज्यादा बड़ा आ रहे ना, बस बेटा इसको काटो, देंगे कुछ कट रहा है तो कट गया, कट गया, सुंदर सा क्या बचा, ये बचा, लिखता हूँ मैं बड़ा बड़ा, क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। देखो ध्यान से, ये अचालक गोला होता है ना, उसके गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश है ये वाला, इस आवेश को वो समीकरण एक इंतजार कर रहा, देखो बड़े जोर से, फिर आप देख लो इसको एक बार अच्छे से, नाउ यू कैन सी एवरीथिंग, आप इसको देख लें बेटा अच्छे से, बताओ ये कुल आवेश दिख रहा है ना, दिख रहा है क्या, इस आवेश को मैं समीकरण एक में रख दूँ, मैं इसको रफ करना चाहूँगा, देख लें आप आराम से, यस नाउ आई कैन रफ इट, मैं इसको रफ करता हूँ, ये देखो ए अचालक गोले के अंदर निकाल रहे थे, ये तो हम फाइनल आंसर की तरफ चल रहे हैं, डायग्राम आपको दिख रहा है सर, और रिपीट कर देंगे एक बार, बस बस ये देखो, ये देखो, ये आपका कुलावेश दिख गया, ये रहा आपका कुलावेश, बस अब बताओ, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, समेशन क्यू का मान, क्यू का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, किस में रखने पर बच्चों, समीकरण एक में, बेटा मैं धीरे धीरे रखता हूँ, आप ट्राई करना, सॉरी ए इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चे चलना भाई, बेटे क्यों था बोलो भैया, तो आ गया क्यू छोटा आर क्यू डिवाइडेड बाय अप्सल नॉट आर स्क्वायर। देखो देखो बेटा देखना, समेशन क्यू का मान ये रख दिया ना, बोलो भैया कोई दिक्कत है आपको, थोड़ा थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको ये, अब चले अपन, फोर पाई कहाँ कूदेगा, नीचे नीचे कूदा दिया इसको सर ने, फोर पाई अप्सलन जीरो, ये तो पहले इंतज़ार कर रहा था उसका बड़े ज़ोर से, बट एक मिनट ऐसे होता है ना, इस आर स्क्वायर को आर क्यूब से काटेंगे तो कौन बचेगा, आर, तो आर ही तो बचा केवल ऊपर, बस नीचे कौन बचा बताओ, बड़ा आर क्यूब, कितना अच्छा लग रहा है बताओ देखो, और ये आपका जस्ट आंसर आने वाला है, नाउ वी आर वेटिंग फॉर द आंसर जस्ट नाउ, यस इसको रफ कर दें हम, ये देखो धीरे धीरे आप घर पे नोट कर सकते हैं, घर पे लर्न भी कर सकते हैं, ये देखो, तो बेटा ये आ गया हमारे पास e बराबर के, सॉरी ये क्यों रह गया था बेटा, इस क्यू को लिख दूं मैं यहाँ, अरे ये वाला क्यू, ये वाला आर, एक आर बचा था जो, तो के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, ओ ये देखना बस, ये कौन आ गया आपके बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपने कहा सर इसमें बड़ा अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, छोटा ऊपर आ रहा है देखो आप, यस इसका मतलब हो गया कि अचालक गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना, वो दूरी के क्या होती है, समानुपाती, भैया चालक में और गोलीय कोष में तो अंदर विद्युत क्षेत्र कितना आया था, जीरो, इसमें जीरो नहीं आया, इसमें तो बड़ा सुंदर सा आंसर आया है जो आपको लर्न करना पड़ेगा, आपने कहा सर इसको सदिश रूप में लिखो, बेटा ये सदिश रूप है, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको ये लिखना भी, ये देखो यस, ये चैप्टर आपका दूसरा अच्छा आएगा तो तीसरा भी अच्छा आने वाला है, बहुत ईजी है तीसरा चैप्टर, इससे भी ज़्यादा ईजी है, बस ये चैप्टर आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, पहला चैप्टर आपको जैसा भी लगा ईजी था, तीसरा चौथा चैप्टर बहुत ईजी आ रहा है, पांचवें चैप्टर का तो नाम ही विद्युत धारा जो आपने टेंथ में पढ़ लिया आधा से ज़्यादा, ऐसा फिजिक्स है आपको टेंशन नहीं लेना है, पांचवें छठे चैप्टर दोनों विद्युत धारा के हैं, ये देखो यहाँ पे क्या लिखें, आर क्यू क्या लगाना पड़ेगा, आर क्यू, तो मैं आसान भी तो कि आपको ये अंदर का जो आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है वो आपको समझ आया होगा, ओके धीरे धीरे आप ट्राई करो, आप हमसे पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं, स्कूल में पूछ सकते हैं, कर लेंगे बेटा इसको आप, ये आपने निकाला, अब हम ग्राफ पे आएंगे,
देखो आपने बाहर निकाल लिया, सतह पे निकाल लिया, अंदर निकाल लिया, अब कहाँ निकालना बताओ आपको। ये अब क्या करना है आपको, ग्राफ बनाना है बेटा। अब हम ग्राफ की तरफ चलें। ये देखो ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए धीरे धीरे, न्यूमेरिकल के भी काम आएगा। ये देखो बस 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 ये लो, और इसको मैं अब रफ करने जा रहा हूँ। आपने दो बार देख लिया इसको अच्छे से, यस। अब आप बताओ आपका चौथा टॉपिक हो गया यहाँ पे, चौथा हेडिंग हो गया कि यस ई का दूरी के साथ परिवर्तन आरेख। ई का दूरी कौन होती है, दूरी आर। तो दूरी के साथ परिवर्तन आरेख, दूरी के साथ परिवर्तन आरेख। बेटा दूरी के साथ अपन को क्या बनाना है बताओ, परिवर्तन आरेख। ये देखो दूरी के साथ आपको बनाना परिवर्तन आरेख। बस तैयार हो गए हम लोग। तो आपने कहा सर कैसे तैयार हुए, चलो एक खेल खेल लें अपन थोड़ा सा। बेटा बताना बाहर क्या आया था आंसर, बोलो ना। अरे बाहर का आंसर ये था, याद होना चाहिए आपको, आप बड़े हो गए, के अपॉन आर स्क्वायर। सत्य का आंसर बताना, तीनों लिख लेते हैं अपन। सत्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग, सरफेस, यस। तो सत्य पे बताओ क्या करें, छोटे आर को बड़ा आर। अंदर ये भी लर्न कर लो अच्छा लगता है, के क्यू छोटा आर बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है, छोटा आर आर के समानुपाती बेटा यहाँ पे, ये राज की बात है। तो आप बताओ अपन ग्राफ बनाने की तैयारी करें, बिल्कुल पहले जैसा ग्राफ। ये देखो एक एक्सिस बना दिया, आप चाहें तो ग्राफ दोनों तरफ बना सकते हैं, आप चाहें तो एक तरफ बना सकते हैं। ये लो होगी तैयारी पूरी। ओ भैया इकाई की दिशा बताओ, ई की दिशा। ऐ बच्चे इकाई की दिशा है ई की दिशा। इधर क्या लेनी है आपको बताओ, दूरी लेनी है। इधर की तरफ क्या लेनी है बताओ, दूरी। बस लट सा बन गए आप और बनेंगे अपन। बेटा सतह पे विद्युत क्षेत्र मैक्सिमम होता है, बताओ इस जगह का नाम क्या है, सतह। छोटा आर बड़ा आर के बराबर होता है तो अचानक गोली की क्या होती है, वो सतह। अब अपन चलें अंदर, आपको सबको पता कि अंदर बड़ा आर बड़ा होता है, अंदर में त्रिज्या है यहाँ पे। और अब अपन चलेंगे बाहर, तो बाहर की जगह यही तो होती है, ये इसको बाहर कहते हैं। अंदर सतह पर बाहर, मैं समझता हूँ आपको आगे हो गए। तो बेटा एक बात करें अपन यहाँ थोड़ी सी, कि देखिए अंदर अपन देखें तो अंदर तो विद्युत क्षेत्र क्या है बताओ, समानुपाती। तो इसका मतलब आ गया भैया, कौन सी रेखा आ रही है बताओ जल्दी, सीधी रेखा आएगी। बोलो भैया, अरे कौन सी रेखा आएगी, सीधी रेखा। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपसे पूछा जाता है कि इसके केंद्र पे विद्युत क्षेत्र कितना है, बेटा ग्राफ को देख के बताओ केंद्र पे विद्युत क्षेत्र कितना नजर आ रहा है आपको, जीरो, यस। अरे इस अचालक गोले के केंद्र में विद्युत क्षेत्र कितना है, जीरो। यहाँ से तो स्टार्ट कर रहे हैं आप ग्राफ को। अब चलें अपन, ये सतह पे मैक्सिमम हो गया, बाहर दूरी के वर्ग के क्या होता है बताओ, व्यतिक्रमानुपाती। दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्यतिक्रमानुपाती। ये बाहर का आ गया, ये अंदर का आ गया। बस अब आपने कहा सर आप चाहो तो दोनों तरफ बना दो ग्राफ को। बेटे ग्राफ कैसे कैसे अपने घर भी बना सकते हैं, बट मैं आपको याद दिला दूं, आप ये बनाते हैं दैट्स ओके। ये अचालक गोले में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ कैसे बदलती है उसका ग्राफ है। तो मैं आसान भी तो कि आपको एक ग्राफ थोड़ा थोड़ा आया होगा। बेटा मैं चाहूँ तो ग्राफ को इधर भी बना सकता हूँ, इधर भी सेम ऐसे कैसे बनेगा, यस। आपने देख लिया इस ग्राफ को, तो फिर मैं आपको बता दूं कि अगर मैं ये ग्राफ को ऐसे बनाता तो आपने कहा सर ये क्या कर दिया, अरे अचानक गोले का ग्राफ ही तो बनाया आपने, तो ये गोले का कौन है बच्चे, केंद्र। कौन है भैया, केंद्र। और ये कौन है गोले की, सतह। ये कौन है गोले के, बाहर। सही है क्या, ये गोले के कहाँ है अपन, बाहर। तो ये देखिए, यस यस, ये आपको एग्जाम में बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस इतना ही बना दो
एग्जामिनर समझ लेता है। तो आपने सब्जेक्ट के विद्युत क्षेत्र का मान देखा बड़े सावधानी से, यस। तो आपको मैं याद दिला दूं कि अपन ने क्या पढ़ा, ये आवेशित अचालक गोला, जिसमें चार बातें सीख ली आपने। क्या क्या बातें सीख ली आपने बताओ, कि आवेशित अचालक गोले की सतह पर ई का परिकलन, सॉरी बाहरी का परिकलन, सतह पर ई का परिकलन, अंदरी का परिकलन, तीनों चीज़ें। अंदर वाले ने आपने थोड़ा ट्रबल किया था, चले थे, थोड़ा तकलीफ हुई थी आपको, तो इसका मतलब है कि अंदर वाले पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। आपके घर पे टेक्निक क्या है लर्न करने का, कि सर चालक कोस हो, चालक गोली कोस हो या अचालक गोला हो, दोनों में बाहर और सतह पे तो आंसर एक ही आते हैं, केवल चेंज कहाँ होते हैं, अंदर। तो बेटा इस तरह से आपने 5 प्रश्न पढ़े बड़े 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 कितने प्रश्न पढ़ लिए, 5। अभी तक जो भी अपन ने स्टडी करी है, उस स्टडी में कितने सवाल पढ़ लिए आपने बताओ, 5। तो मैं आसान भी तो कि आपको ये 5 प्रश्न याद हो गए होंगे, 5 में से एक एग्जाम आने के चांस होते हैं। अभी छोटे छोटे 2 सवाल और भी हैं, उनको भी अपन प्रयास करेंगे। बेटा पहले मैं एक वो प्रश्न बता रहा हूँ जो अभी बोर्ड में आया था 2020 में, यस। अरे जो आरबीएससी का एग्ज़ाम होता है ना, ये वाला एग्ज़ाम, ये जो आप देंगे 2021 में, तो ये 2020 में इस चैप्टर का एक उदाहरण है, वो एग्ज़ाम आया था। मैं फिर याद दिला दूं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किताब में से ही आया था, अगर बच्चों ने किया होगा तो। तो बताओ ए, अब आपने कहा सर क्या क्वेश्चन आया था, एक आवेशित अचालक गोला है। बेटा देखना सब क्वेश्चन क्या था, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन, आप सुन रहे हैं मेरी बात, एक इलेक्ट्रॉन, यस, 0.30 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ में रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। मुझे कुछ नहीं याद है, फिर सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि एक अनंत रेखीय आवेश तार होता है, आपको थोड़ा थोड़ा पता चल गया, सर वो पहला बड़ा सवाल है, वो वाली बात है। बेटा मैं बता दूं कि ये देखो, अब इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा, बताओ, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि इसमें विद्युत क्षेत्र का पहला डेरिवेशन क्या पढ़ा था आपने, 2K λ/R। देखिए कौन अच्छा बच्चा जिसको एग्जांपल समझ में आएगा, बट इस चैप्टर में यही एग्जांपल ऐसा है जो टफ लगेगा आपको, अदरवाइज सारे एग्जांपल फार्मूला बेस्ड है। सॉरी, एग्जांपल अपने आप ही कर सकता है थ्योरी को पढ़ के, ये थोड़ा सा समझने का है। मुझे लगता बोर्ड वालों ने इसी दे दिया, तो उनने ये दिया कि जो वृत्तीय पथ है उसका व्यास इतना है। बच्चों वृत्तीय पथ का व्यास इतना है, जिस इस व्यास में इलेक्ट्रॉन आवेशित तार के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यस, तथा रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा का मान 10^-6 N/C है, ये दे रखा है आपको। तो चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो, समझ गए आप, चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो, समझ गए बच्चे, ये आपका सवाल था। तो अपन चले देखे खेलें थोड़ा सा। तो आपने कहा सर ये तो आपने कल ही सिखा दिया था कि इलेक्ट्रॉन तभी चक्कर लगा पाएगा जब उसको विद्युत बल अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर देगा। आपने कहा सर कौन सा विद्युत बल, बेटा आवेशित तार का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश, इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, विद्युत बल। वो विद्युत बल इलेक्ट्रॉन को कौन सा बल प्रदान कर रहा है बताओ, अभिकेंद्रीय बल। जिंदगी में याद रखो, कोई भी चीज़ वृत्ति पथ में तभी घूमती है जब उसको कौन सा बल प्रदान करे, जब उसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान करे, चाहे कोई मशीन हो चाहे कोई भी चीज़ हो। तो देखिए अब बताओ यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि अभिकेंद्रीय बल, बेटा एक मिनट देख लो, अभिकेंद्रीय बल विद्युत बल के बराबर होगा, यस। आपने कहा सर विद्युत बल का सूत्र तो क्यों होता है FEQ, तो ये आवेश इलेक्ट्रॉन का ही तो है भाई। अभिकेंद्रीय बल 11th फार्मूला पढ़ा था, क्या था
ये ही था, बस फार्मूला बन गया। e की वैल्यू वहाँ से रखनी है आपको, आप चाहते हैं तो इसकी जगह e लिख सकते हैं, तो e की जगह क्या लिखेंगे आप, 2k lambda upon r, ओके 2k lambda upon r, समझ लिया क्या। यहाँ पे क्या लिखते हैं, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। देखो कितने ईजी होते हैं न्यूमेरिकल, तभी तो बड़े बच्चे न्यूमेरिकल ईजीली कर रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्याज दे रखा है, इसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, क्यों, क्योंकि त्रिज्या से त्रिज्या तो कट गई, और ये द्रव्यमान किसका है, इलेक्ट्रॉन का, त्रिज्या से त्रिज्या तो कट गया, इसका ब्याज दे रखा है उसमें आप कन्फ्यूज नहीं हो। अब बताओ आपको वेग निकालना बच्चे, तो v बराबर या b स्क्वायर बराबर क्या लिख दूँ मैं सिस्टम से, 2k लैम्डा, ये रहा 2k लैम्डा और e भी आएगा भैया, डिवाइडेड बाई एम ई। आपने कहा सर m के नीचे ही क्यों लगा देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, देखना पेपर में ये। अब बताओ ये तो v स्क्वायर आया है, अगर मुझे केवल v का मान निकालना पड़े, ये देखो बेटा मैं समझता हूँ आपको सवाल आगे होगा, एग्जाम में ब्याज दे रखा था और लैम्डा दे रखा था, यस, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी दे रखा था और इलेक्ट्रॉन का आवेश भी दे रखा था, ये न्यूमेरिकल में गिवन होते हैं सब। तो देखिए इस सवाल को अपन जब सॉल्व करें, हम पूरे को करके देखें, तो देखिए यहाँ पे इसके बाद बेटा ये बचेगा वी बराबर, ये देखो 2k लैम्डा ई बटा एम ई, और ऊपर क्या लग गया पूरे पे बताओ, वर्गमूल, थोड़ा सा कैलकुलेशन था तभी तो दो नंबर का सवाल था। ये देखो मैंने आपसे भी दो मिनट पहले कहा था, ये देखो घर पे जब भी न्यूमेरिकल को पढ़े थे डायग्राम के बारे में ऐसे सोचें, यस, तो जल्दी समझ में आएगा। तो ये बोर्ड में आ चुका, इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल लीजिए, आप अपने आप कर सकते हैं एक एक एग्जाम्पल को, केवल इसको छोड़ के, ये बोर्ड में आ गया तो ये हम समझा ही दिए आपको, सारे एग्जाम्पल कर लो सेकेंड चैप्टर के, अनसॉल्व छोटे छोटे 7-8 बस। तो जब भी हम लोग क्लास में आपसे मिलेंगे तब उसको और खेल लेंगे उसके साथ, ठीक है ना। अब ध्यान दो बेटा, सबके मान प्यार से रख दो, ये देखो के का मान जानने चाहिए यार, पता है आपको पहले चैप्टर में ये था, लैम्डा 10^-6 दे रखा है, ई 1.6 × 10^ दे रखा है, ये भी आपको पेपर में दे रखा था, बट आप तो पहले से ही जानते हैं, डिवाइडेड बाई ये भी पेपर में दे रखा था 9.1 × 10^-31। अच्छा जरूर ये नहीं लग रहा होगा कि पूरे के ऊपर क्या लग रहा बच्चे, वर्गमूल, क्या लग रहा है, वर्गमूल। आप तो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों के कैलकुलेशन बड़ी अच्छी होती है, आपने कहा सर कैसे अच्छी होती है बताना एक मिनट इसको जल्दी से करके, 31 है ना बेटा, 9 × 6 = 15 = 25 हो गया ये, तो 31 ऊपर जाएगा, जानते हैं ऊपर जाना, तो बेटा 31 अगर ऊपर जाएगा, चलो अपन थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लें, मज़ा आएगा, खेलते हैं। आपने कहा सर कहाँ खेलना आ रहा है आपको, अरे ये 9 है और ये 9.1 है, बेटा अप्रोक्सीमेटली दोनों की वैल्यू सेम है, तो आप इसको ऐसा करो ना यार, यहाँ पे बोलो 1.6 × देखो कैलकुलेशन करने का तरीका आपका, यस, फिर सुनो मेरी बात, ही -31 है बेटा, 19 और 6 = 25 होते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि ऊपर कितना चला गया, प्लस का 6, 9 और 6 = 15 होते हैं बेटा, ये देखो 15 आ गया, और नीचे अपन चले तो नीचे तो अब कुछ भी नहीं है ईमानदारी से देखें तो, और इस पूरे के क्या लगाना है बताओ, वर्गमूल, ऐसे कर सकते हैं भाई आप, यस बेटे यहाँ से एक 0 हटाएंगे तो कौन बचेगा, ये 0 हटाएंगे तो 10 बचेगा, और 10 बचेगा तो एक 0 हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा फिर बताओ, 14, बोलो ना भैया, अब 10^14 का वर्गमूल कितना होता है, 10^7, बोलो 16 × 200 करेंगे तो 32, 32 का वर्गमूल कितना होता है, आपने कहा सर 32 का वर्गमूल होता है, इसका मतलब है कि 6 से तो कम होगा और 5 से ज़्यादा, आप छोटे बच्चे करके देखेंगे तो ये भी आपका फाइंड आउट होगा, तो इसका मतलब हो गया कि आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली ये आ गया। तो बेटा ये वो सवाल था जो 2020 में बोर्ड में आया था, तो ये सवाल ही भी आप आसानी से देख लिया आपने जी, तो आप इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से अपने आप करो, केवल एक सवाल ये टफ था, सारे एग्जाम्पल फार्मूला बेस्ड है, और फिर नहीं आएंगे तो जब भी अपन क्लास में मिलेंगे सर से आप पूछ के कंसल्ट करके करेंगे, ओके थैंक यू, फिर मिलेंगे अपन नए वीडियो।